सेंसस एंड सैम्पलिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द रेलेवेंट फील्ड ऑफ इंक्वायरी. आगे जितना भी एनालिसिस होना है जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे ही होना है. व्हेन अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज कंडक्टेड एन इंक्वायरी इज टू बी डिटरमिंड एज टू वेदर द इन्वेस्टिगेशन इज टू टेक अकाउंट ऑफ होल पॉपुलेशन और ओनली अ पार्ट ऑफ इट. होल पॉपुलेशन जितने लोग हैं सबका सर्वे लिया जाएगा, सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या उसका एक छोटा सा सेगमेंट, ये डिसीजन लेनी पड़ेगी. डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट? डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी विच यू आर लुकिंग फॉर, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, इट डिपेंड्स. तो पॉइंट है कि आपको डिसीजन लेना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिसीजन लेना था, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मेरी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी थी कि जो इस एरिया में ना 2 किलोमीटर के रेडियस में जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के, किस स्ट्रीम के कितने हैं, किस स्ट्रीम के कितने हैं, कितने कॉमर्स के, कितने साइंस के, कितने ह्यूमैनिटीज के. अब एक ऑप्शन है कि जितने बच्चे 11th के हैं सबका जाके लूं, तो फिर मैंने पूरी पॉपुलेशन को कवर कर लिया. तो पूरी पॉपुलेशन ऑब्वियसली वो लोग आएंगे ना जो रेलेवेंट हैं, जो 12th के हैं वो मेरा एरिया नहीं है इन दिस इंक्वायरी. 11th का था, मैं कह रहा 12th के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, मुझे 11th का डेटा चाहिए बस. तो 11th के जितने स्टूडेंट्स हैं 2 किलोमीटर के रेडियस में वो सब पॉपुलेशन हो गए. मैं कह सबके जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो एनी 100 स्टूडेंट्स का आप डेटा लेके आ जाओ. तो फिर क्या मैंने पूरी पॉपुलेशन को कवर किया? नहीं. तो पॉपुलेशन का मतलब इंडिया की पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन का मतलब आपका जो एरिया ऑफ कवरेज है उसमें सारे इंडिविजुअल्स कवर हो गए. तो आपने पूरी पॉपुलेशन को कवर कर दिया, उसमें से भी आपने सिलेक्शन करी तो आपने सैम्पलिंग करी. जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी 100 जो आपको पहले 100 मिले ना क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आप उनका सर्वे लेके आ जाओ. तो क्या मैंने पूरी पॉपुलेशन कवर करी? नो. तो मैंने क्या कर दी? सैम्पल. तो यू हैव टू मेक अ चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू टेक इन टू कंसिडरेशन द होल पॉपुलेशन और ओनली अ पार्ट ऑफ इट. अ सर्वे मे बी कंडक्टेड बाई ईदर ऑफ द टू मेथड्स, एक होता है सेंसस मेथड और एक होता है सैम्पलिंग मेथड. सेंसस मेथड, व्हेन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड वेयर इन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज नोन एज सेंसस मेथड. तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, ईच एंड एवरी आइटम एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. दिस मेथड इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें आएंगी, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, बट जब गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट करना है वो तो सेंसस मेथड यूज करते हैं. इज द एरिया लिमिटेड? नो. करें प्राइवेट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे सेंसस मेथड तब अडॉप्ट करना चाहिए जब एरिया लिमिटेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर होता है. बट गवर्नमेंट को तो पूरी कंट्री का डेटा चाहिए ना, और उसमें सैम्पलिंग तो नहीं कर सकते कि कुछ लोगों का ले लेते हैं बाकी अंदाजा लगा लेंगे. नो, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए. तो आ जाएगा आगे जाके कि सेंसस गवर्नमेंट भी यूज करती है, पूरे लार्ज एरियाज में भी होता है नॉर्मली. एट इंडिविजुअल लेवल इफ यू आर यूजिंग अ मेथड तो सेंसस मेथड तभी एडवाइजेबल है इफ द एरिया इज लिमिटेड एज एन इंडिविजुअल. इफ यू आर कंडक्टिंग अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वेयर द एरिया इज लिमिटेड एंड एन इंटेंसिव स्टडी, मतलब आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, अजम्पशन बेस्ड नहीं चाहते आप स्टडी, तो फिर पूरी पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा. हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स आर नीडेड टू मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. डेमोग्राफिक डेटा, डेमोग्राफिक डेटा, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? डिफाइन डेमोग्राफी. एनीवन, यू वांट टू ट्राई? स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विद रिगार्ड टू बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट,
लिटरेसी रेट, ठीक है ना, तो वो हो गए वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। बट अगर मैं आपसे डेमोग्राफी का मीनिंग पूछूं, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ हम पॉपुलेशन को स्टडी करें, स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो वो एस्पेक्ट्स आ जाएंगे उसमें, फिर आ जाएगा बर्थ रेट, डेथ रेट। तो डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें आ गया बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, वर्कफोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब यू वोंट बिलीव, आज ही न्यूज पढ़ी, यूएस का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एक साल गिर गया, दो साल लगातार, मतलब टू इयर्स इन अ रो, टू इयर्स। मतलब नॉर्मली क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ता है ना एज द टेक्नोलॉजी एडवांसेस, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज और इम्प्रूव होंगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो और बढ़ता ही जाएगा। बट टू इयर्स इन अ रो एक एक साल कम हो गया, आई थिंक लास्ट अभी 77 है या 76 है, बस आज ही न्यूज पढ़ी थी तो इसलिए आ गया। बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमोग्राफी ऑफ अ कंट्री और डेमोग्राफिक डेटा। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, दे आर कलेक्टेड एंड पब्लिश बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो सेंसस कर ऊपर, तो उन्होंने अब खुद ही वो कंट्री, मतलब ठीक है ना, तो क्लोज्ड माइंड से मत पढ़ना, ओपन माइंड से पढ़ना, कि जैसे उन्होंने बोला कि सूटेबिलिटी बताया लिमिटेड मेथड और स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इज इट अ लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन? नो। सो लिमिटेड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए तब सूटेबल है सेंसस मेथड, अगर आप एक प्राइवेट एजेंसी हो, आप एक इंडिविजुअल लेवल पे सर्वे कंडक्ट कर रहे हो और आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव सर्वे करना है, तो आपके लिए सेंसस मेथड एडवाइजेबल है। अदरवाइज इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए, प्राइवेट फर्म्स के लिए सैम्पलिंग मेथड एडवाइजेबल रहता। गवर्नमेंट जब भी कोई मतलब अगेन इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट को किस टाइप का डेटा चाहिए, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो आप किसी को इग्नोर कर भी सकते, पूरी कंट्री का आपको डेटा चाहिए तो वाइड एरिया होगा। द फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड इज सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 years। द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन 2011। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था मैं पूछूंगा, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, ठीक है ना, आपने नहीं करा तो ऑब्वियसली इनके ये टॉपिक कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, लास्ट 2011। क्या ये बुक पुरानी है, क्योंकि हर 10 साल में होता है, तो क्या 2021 में सेंसस हुआ नहीं या पता नहीं, क्यों नहीं? ना ना, वो तो होता है इंडेक्स नंबर के लिए बेस ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि माना जा रहा है, वो कह रहे कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। नॉर्मल ईयर होना जरूरी नहीं है सेंसस के लिए, ठीक है ना, सेंसस तो कलेक्शन ऑफ डेटा है, कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ उसको एग्जीक्यूट करना, वो बेस ईयर होता है, ठीक है ना, वो अगर हम पढ़ेंगे आगे जाके इंडेक्स नंबर, बेस ईयर एक चीज होती है, बेस ईयर होता है एक ऐसा ईयर चूज करते हैं, एक स्टेबल ईयर जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना रही हो, तो 2021 तो फुल ऑफ फ्लक्चुएशन रहे, वॉलिटिलिटी हाई रही है, सुनने पे ध्यान देंगे। तो 2021 में सेंसस कंडक्ट होना था, नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड। और कोई बता सकता है कि क्या होने वाला है, क्या प्लान है उनका? वेरी गुड, क्या सुना है आपने, क्या पढ़ा है आपने? वेरी गुड, तो 2022 का फर्स्ट हाफ का टारगेट था, मतलब वो भी नहीं अचीव हो पाया, बट टारगेट ये था तो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में डिजिटल सेंसस कंडक्ट होगा, ठीक है ना, डिजिटल ऑनलाइन मोड पे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा एज फार एज पॉसिबल। घर घर जाके नहीं होगा, जहां पे टेक्नोलॉजी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे डिजिटल मोड से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ओके? बट वो टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, अभी कुछ भी शुरू भी नहीं हुआ, मतलब यही पूछ रहे थे कि हुआ कि नहीं हुआ, होता तो पता चलता ना,
उसमें हम भी आते, हमारा ही इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, तो जब हमसे मांगेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी ने हमारी इन्फॉर्मेशन मांगी। अभी शुरू भी नहीं हुआ प्रोसेस, तो मतलब क्वाइट अनलाइकली कि सेकेंड हाफ में भी कुछ हो, चमत्कार कुछ हो गया तो, मतलब क्योंकि यहाँ तो ओवरनाइट अनाउंसमेंट हो जाती है ना, आपके पास 2 दिन है कुछ भी करो, मतलब अभी ऐसा कुछ भी, मतलब द प्रोसेस हैज नॉट येट इनिशिएटेड एटलीस्ट एट पब्लिक लेवल। इंटरनली उनके बैकेंड पे तो ऑब्वियसली वो तो वर्किंग कर ही रहे होंगे, सेंसस लास्ट 2011 में ही हुआ था, अब जो होगा वो बस आपके लिए इंफॉर्मेशन से यस डिजिटल मोड पे होगा एज फार एज पॉसिबल। ड्यू टू द एडवेंट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, ठीक है, सेंसस 2000 कोविड की वजह से, इट हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, टिल फर्दर नोटिस। सेंसस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट एन्यूमरेशन और 100% एन्यूमरेशन और कंप्लीट सर्वे। सेंसस ऑफ 2011 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन स्टूड एट 121 करोड, 121 करोड थी, तो 140 तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, कंप्राइजिंग ऑफ 62 करोड़ मेल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, 62-58। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू क्रॉस 1 बिलियन मार्क, 100 करोड़। मेरिट्स ऑफ, तो सेंसस मेथड का मीनिंग क्लियर, व्हेन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड वेयर इन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होता है आपका एरिया ऑफ स्टडी। तो अगर मेरा एरिया ऑफ स्टडी क्लास 11 स्टूडेंट है तो क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स पॉपुलेशन हो जाएगी मेरे लिए। क्लियर है ना पॉपुलेशन का मीनिंग? पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री की बात नहीं होती जब सर्वे ले रहे हैं, पॉपुलेशन मतलब आपका जो टारगेट ऑडियंस। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड? इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इट प्रोवाइड्स इंटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कवरिंग मेनी फेसेट्स एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पॉपुलेशन सेंसस इट इज नॉट द नंबर ऑफ पर्सन विच इज काउंटेड बट इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल लेवल। कह रहे इंसान नहीं गिन रहे, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करी जा रही है, इनकम एंड हेल्थ कंडीशन, सच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। तो मेरिट्स, इंटेंसिव स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, कॉम्प्रिहेंसिव, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, बिकॉज आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे, तो आपने कोई चीज अज्यूम नहीं करी। सैम्पलिंग मेथड में क्या होगा, कह रहे 50,000 लोग हैं, कह रहे ऐसा अगर 500 का लेके आ जाओ, बाकी फिर उसके बेसिस पे हम इंटरपोलेट एस्टिमेट कर लेंगे। कह रहे कोई एस्टिमेशन नहीं हो रही सेंसस मेथड में, कोई अजम्पशन नहीं है, सबका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, सिंस एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व पर्सनली, इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। कलेक्शन में एरर फिर भी हो सकता है, बट एज कंपेयर टू एनी अदर मेथड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड इंपॉर्टेंट है कि भैया तो फिर यही क्यों नहीं करते, जब इतना एक्यूरेट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इतने फायदे हैं, तो हर जगह सेंसस मेथड ही कर लेते, क्यों नहीं कर सकते हर जगह सेंसस मेथड? गौतम क्या रीजन है आपके हिसाब से, ट्राई करना चाहेंगे, पास करना चाहेंगे? हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं। सृष्टि आपके हिसाब से कि अगर एक्यूरेट है इन्फॉर्मेशन, मेन तो इतना कि एक्यूरेसी, क्योंकि आपने बताया सर कलेक्शन गलत हुई तो आगे सारे प्रोसेसेस गलत, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो कलेक्शन में गलती हो गई आपका पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो जब ये बेस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है, डिटेल्ड है, तो यही क्यों नहीं यूज करते बस? गुड, कॉस्टली है, ठीक है ना, सेम, ठीक है। तो सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजेनियस, डेटा होमोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस मतलब एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, तो आपको सबको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर होमोजेनियस होता ना तो फिर सबसे इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, भाई सब सेम आंसर देंगे, ठीक है ना। तो जहाँ होमोजेनियस है वहां पे आप सैंपल ले सकते हैं, जहाँ हेटरोजेनियस है, स्कैटर्ड है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी, सब हर एक का डिफरेंट आंसर होगा, एक की इनकम कुछ है, एक की इनकम कुछ है, एक का कुछ है, एक की फैमिली में कुछ लोग होंगे, एक की फैमिली में कुछ लोग होंगे,
कुछ भी हो सकता है। तो मेरिट सुटेबिलिटी व्हेन द डेटा इज नॉट होमोजेनियस। डीमेरिट्स सेंसस, डीमेरिट्स क्या है? सबसे बड़ा एक्सपेंसिव। सिंस द डेटा आर ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। तो अब अगर गवर्नमेंट डिजिटल मोड पे आएंगे तो रिलेटिवली लेस कॉस्ट लगेगी, लेस रिसोर्सेज लगेंगे। इट नीड्स मोर टाइम एंड मैन पावर, सिंस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड अंडर सेंसस इन्वेस्टिगेशन, मोर टाइम एंड मैन पावर आर नीडेड फॉर इट्स कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन एप्लीकेबिलिटी, सेंसस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, जहां आपको पता ही नहीं कि लोग कितने हैं वहां सेंसस, वहां अब जब पता ही नहीं कि कितने हैं तो ये कैसे कह सकते हो कि मैंने सबको कवर कर लिया? तो जहां इनफाइनाइट है वहां पॉसिबल नहीं है। इफ द स्टडी इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन एज इन द केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ टायर्स ऑन रोड, सेंसस कैन नॉट बी कंडक्टेड। मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप काउंट करके नहीं बता सकते कि इतनी ही है, कि फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन ही है इंसिडेंट्स, तो अगर 1 मिलियन के 1 मिलियन कवर हो गए तो सेंसस मेथड है, कह रहे काउंट करना पॉसिबल ही नहीं, काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? कि एक अर्थक्वेक की वजह से कितने क्रैक्स आए, इज इट पॉसिबल टू काउंट? कह रहे मतलब पता ही नहीं चलेगा ना क्रैक, तो कह रहे इनको क्वांटिफाई नहीं किया जाता। तो जो क्वांटिफाइबल नहीं है वहां सेंसस मेथड नहीं होगा। मतलब क्वांटिफाइबल है बट एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल सकता आपको, तो जहां एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलता, जहां इनफाइनाइट हो सकते हैं रिजल्ट, वहां सेंसस मेथड नहीं आएगा। क्योंकि सेंसस मेथड क्या है? ईच एंड एवरी आइटम हैज बीन कंसिडर्ड। व्हेन यू आर नॉट श्योर इफ ईच एंड एवरी आइटम हैज बीन कंसिडर्ड, तो आप उसको सेंसस मेथड नहीं बोल सकते। तो सेंसस मेथड, मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इंपॉर्टेंट।